हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे शिव आराधना के महापर्व महाशिवरात्रि की। सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण त्योहारों में विशिष्ट स्थान रखने वाले महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष दिनांक 1 मार्च मंगलवार को है। वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि निराकार परम ब्रह्म का साकार शिवलिंग के रूप का प्रकटीकरण का पर्व है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। शिव पुराण में वर्णित है कि शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग इसी पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। इसी कारण यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात हो गई। यह दिन माता पार्वती और शिव जी के ब्याह की तिथि के रूप में भी पूजा जाता है, इसलिए महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व है। इस दिन भगवान शिव ने सन्यासी जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर रुख किया था। महाशिवरात्रि की रात्रि को भक्त जागरण करके माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं। जो भक्त ऐसा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजन विधि। महाशिवरात्रि का यह पावन व्रत सुबह से ही शुरू हो जाता है। इस दिन शिव मंदिरों में जाकर मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर ऊपर से बेलपत्र, आक धतूरे के पुष्प, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। अगर पास में शिवालय न हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर उसे पूजने का विधान है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के लिंग स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह भगवान शिव का प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद घर के पूजा स्थल पर जल से भरे कलश की स्थापना करें। इसके बाद शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। फिर अक्षत, पान, सुपारी, रोली, मौली, चंदन, लौंग, इलायची, दूध, दही, शहद, घी, धतूरा, बेलपत्र, कमलगट्टा आदि भगवान को अर्पित करें। अंत में आरती करें। इस दिन रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि को उपवास भी रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के उपवास का पारण कब करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर्व का पारण अमावस्या में नहीं करना चाहिए, इसलिए 1 मार्च को रात्रि में ही चतुर्दशी तिथि में यानी रात 12:17 तक पारण कर लेना चाहिए। अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर्व का महत्व। जो भक्त शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय होकर अपनी पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य द्वारा निश्चल भाव से शिव जी की यथोचित पूजा करता है, वह वर्ष पर्यंत शिव पूजन करने का संपूर्ण फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। इस दिन महादेव का व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव की शादी भी हुई थी, इसलिए रात्रि में शिव जी की बारात निकाली जाती है। काशी नगरी का ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। भोले बाबा की नगरी का कण कण, कोना कोना बम बम करता हुआ निहाल हो जाता है। जगह जगह के शिवालयों से शिव बारात काशीवासियों की श्रद्धा बटोरती, भक्ति भाव लुटाती, एक अद्भुत वातावरण का सृजन करती है। तो आप भी महाशिवरात्रि का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाएं और भगवान शिव के आशीर्वाद से सुख समृद्धि के भागी बनिए। ओम नमः शिवाय।